सात सितंबर को गणेश चतुर्थी है, और यही कारण है कि हमें इन दिनों सड़कों के किनारे हर जगह पर जो है गणपति जी की रंग बिरंगी मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर के अगले 10 दिनों तक भगवान गणेश जी धरती पर होते हैं, और कई लोग इनकी मूर्तियों को अपने घर में स्थापित करते हैं। कई लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ ढोल नगाड़ों की आवाज में जो है गणेश जी की मूर्ति को अपने घर लेकर के जाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। जो तो लेने तो की देख रहे हो गुड़िया अपना लेके जाती है ना, तो इसमें इदा होंगे कि भगवान केड़ा हुक्म कर रहे हैं गा, मैं नू केड़ा मेरे नाल चलूगा सेवा करना चाहता। अच्छा, ते वैसे कोई देख रहा ना कि सुन के साइड पे होवे या इस साइड पे होवे या लग दू होन हाथ से कितना देख चुके हो अभी तक आप? परली तरफ भी देख के आई। अच्छा, अब यही है कि जिसने साथ में जाना है वो बोलेंगे कि मेरे को लेके चलो, है ना? भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, अगरबत्ती सिखाएंगे, प्रसाद बांटेंगे। अच्छा, आपको पता है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? ये गणेश जी को इन दिनों में लोग क्यों घर रखते हैं, कुछ पता है आपको? अच्छा, आपका नाम? मनीषा। नहीं, हाँ जी। ओके, घर ही बिठा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, घर ही। और क्यों करके लेके जा रहे हो? हमेशा भगवान को जब भी लेके जाते हैं कवर करके लेके जाते हैं, जो उनका स्थान है वो वहीं पे बिठा के खोला जाता है। अच्छा जी, जी, जी। और जब इन दिनों मूर्तियां बनाने वाले कलाकार भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ गणेश जी की तरह तरह की आकृतियों वाली मूर्तियों को बहुत ही खूबसूरती से रंग कर करके छोटी से बड़ी 9 फीट तक की बड़ी जो है प्रतिमाएं बना रहे हैं। उनका कहना है कि जो 6,000 से 7,000 की लागत से बनी मूर्तियां हैं वो उनकी 17,000 से लेकर के 25,000 तक आराम से बिक जाती हैं, जिससे कि उनको बहुत बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। कितने दिन लग जाते हैं आपको ये बनाने में? ये वाली? हाँ, ये मूर्ति लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं। कितने? 2-3 दिन लग जाते हैं। 2-3 दिन? 2-3 दिन कलरिंग में लगते हैं कि पूरा बनाने में? कलर में और बनाने में? हाँ, 4-5 दिन। कलर कौन से यूज कर रहे हो? अच्छा, और ये जो है ये मिट्टी की बनी है कि पीओपी की है? चौक मिट्टी। आराम से खुल जाती है पानी में? और 7 तारीख की है। 7 तारीख की? कितने पीसेस बनाए आपने बड़े? अच्छा, और ये चले जाते हैं 7 तारीख तक पंडाल वाले लेके जाते हैं? और कितने का पड़ जाता है एक पीस? ये ₹15,000 का। भाव तोल करते हैं कि आराम से ले जाते हैं? वो तो करते हैं ना, मूर्ति का भाव तो। आपकी वैसे कितनी लागत आ जाती है इसे बनाने में? और बेचते जब आप 15,000 प्रॉफिट हो जाता है बेसिकली? 6-7 हजार वैसे मिल जाते हैं। और उस स्टेशन कहाँ से देखते हो आप? आपकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारी है। ये तो पहले से प्रैक्टिस है। ठीक। और ये केमिकल फ्री है सारा कि केमिकल वाले कलर्स वगैरह है? और जो चौक मिट्टी है इसमें कोई केमिकल मिक्स किए कि सिर्फ पानी? नहीं, केमिकल पानी ही है। पानी से इतनी पक्की हो जाती है। आपका नाम? मेरा नाम मोहन। 300 से शुरू है और बड़ी से बड़ी 15-16 हजार और इससे भी बड़ी उत्पन्न जाती है तो 20-25 हजार तक। कितने? 16 हजार, 18 हजार, 20 हजार, जैसे अलग अलग रेट है। और कितने दिन लग जाते हैं इसको बनाने? 10 फुट का मूर्ति है। अच्छा, और 2 रीति सीधी भी साथ में, 4-4 फुट की। अच्छा, जाकर गल जाएंगे? गल जाएंगे। ये तो नहीं जैसे वो नदियाँ गंदी हो रही है कि वहीं पे पड़े? नहीं, नहीं, ये वो वाले दूसरे वाले। और आपकी कितनी? 10 दिन की पूजा के बाद 11वें दिन
गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। लोग इन्हें पानी में ले जा कर के जो है इनका विसर्जन किया जाता है। और इस बार जो है लुधियाना में इको फ्रेंडली और केमिकल फ्री मूर्तियां बनाई जा रही हैं ताकि ये पानी में जाते साथ घुल जाएं, जिससे कि जल प्रदूषित ना हो। लुधियाना से राजवंत की कार्रवाई।